वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सजेशन अली। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगा, तो आज वो दिन आ चुका है। तो वो स्टोरी है बिल्कुल मिठू की। इससे 3 दिन पहले की बात है कि कैमरामैन सो रहा था और भाई ने तो इसको निकाला हुआ था मिठू को। तो भाई को जल्दी थी तो वो बेचारे इसे बंद करने आया तो ये बंद ही नहीं हुआ। तो फिर वो मिठू को ऐसे छोड़ गया। तो भाई तो निकल गया था और पापा तो अंदर थे, सारे अंदर थे। तो कैमरा मैन यहाँ सो रहा था ऊपर कंबल लेके। तो उसने वहाँ गए और उसने देखा वहाँ किचन का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो उसके बाल को निकाला तो वो वहाँ से निकल गए और जो आगे जाके बैठ गए। और जब मैं स्कूल से आया तभी पता चला, क्योंकि मैं स्कूल से आया हूँ, मैंने देखा तो मिठू का दरवाज़ा खुला हुआ। और मैं पर्दों के पीछे देखे, यहाँ देखे, उधर देखे, वहाँ देखे, वो बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ किचन की। तो तभी पता चल गया कि उड़ गया। तो तभी मैं स्कूल के लिए निकल गया, क्योंकि वो मेरा ट्यूशन होता है ना, तो मैं वहाँ निकल जाता हूँ। तो घर वाले सर इधर वहाँ बालकनी में दरवाजे देने गए। तो मिठू का उन्होंने कहा मिठू बालकनी में जाके ऊंचे नीचे आवाज़ में, तो उन्हें आवाज़ आई आगे से। तो वहाँ उन्होंने देखा एक घर पे पहले बैठा हुआ था वो, लेकिन बीच में ऐसे ना गैप है एक बिल्डिंग का, और वहाँ ऐसे तो जा नहीं सकते छलांग मार के। तो पूरा इतना घूम के आना पड़ता था। वहाँ घूम के गए तो मिठू साहब वहाँ एक घर के ऊपर बैठे हुए थे जहाँ कोई नहीं रहता और वहाँ बिल्लियाँ घूमती अंदर, वहाँ कोई नहीं रहता, ऐसे ही छोड़ा हुआ है। उसका इतना काम कराने वाला है। तो किसी दिन मैं आपको वो घर भी दिखाऊंगा। और फिर वहाँ मिठू साहब ने एक और उसके आगे ना एक दरख्त था, वो वहाँ जाके छलांग मार के चढ़ गया। जितना देर वहाँ बैठा रहता था तो वो ऊपर जाता रहता था। ये वहाँ लकड़ी खा रहे थे, टहनियाँ खा रहे थे दरख्त की। तो 8:30 रोज़ा खुलता है, तो हम वहाँ 8:40 तक रहे हैं। तभी जब अंधेरा हुआ है ना, तभी मिठू भाग गया है, पता क्यों? क्योंकि वो इसे अंधेरे से डर लगता है। ये हमेशा रात को सोता है, सुबह कभी नहीं सोता, कभी कभी आंखें बंद कर लेते हैं ऐसे मजाक करने के लिए। और फिर मिठू साहब मिले नहीं। फिर हम थोड़े दिन एक दिन बाद एक आइडिया आया कि हम ना कोई पोस्टर उसकी या एक दुकान है वहाँ प्रिंट हो जाता है, तो उसे सिर्फ एक ईमेल भेजनी होती है। तो वहाँ वो पोस्टर पे जो उसके ऊपर मिठू की 2 तस्वीरें थी और सारा कॉन्टेक्ट कैसे करना है। और वो दुकानदार मुझे ना 50 सेंट की वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दे रहा था। मैंने 1 यूरो की वो कलरफुल कराई, इसका वो कलर ठीक है, सारा कुछ कराया। तो फिर हमने वो टेप लेके हमने सारा कुछ सारे जगह चिपका दिया। तो वहाँ एक दिन पहले ईद के एक दिन पहले एक बंदा था, उसने बड़े एनिमल रखे हुए थे, बतख रखी हुई थी और बहुत कुछ। वहाँ वो उसने खाना डाला और मिट्टू उससे पहले वहाँ वो दरख्त काट रहा था, तो उसके ऊपर मिट्टू आके बैठ गया। फिर जब वो फिर भी दरख्त काट रहा तो मिट्टू उसके वो उस दरख्त के साथ ना नीचे गिर गया। तो फार्मर का उसके ऊपर ध्यान पड़ गया। फिर वो उसे अंदर लाया, उसे खाना दिया। उसने जब हाथ पे बिठाया ना तो वो एकदम बैठ गया। उसने सोचा ये जरूर किसी का है, तो उसने और खाना दिया, इसे और खिलाया, लेकिन उसने कहा शायद ही इसने कुछ खाया हो। तो उसने इसे पिंजरे में बंद कर दिया। एक वहाँ पूरी जालियाँ लगी हुई थी, ऐसे पूरी जालियाँ। तो वहाँ जब भाई पहुँचे ना तो वो अंदर गए, और भाई ने वो जब भाई अंदर गए वो इतना उछल उछल के भाई के कंधे पे आके बैठे। फिर भाई ने उसे इस पिंजरे में डाला है, तो फिर उसे घर लेके आ गए। फिर हमने उसे इतना डांटा। ये अभी शरीफ होके बैठा हुआ, पहले तो बड़ा शैतान था है ना, अभी शरीफ बन गया, क्योंकि बार से डर गया है। इसके ना पीछे से ना हमने थोड़े अभी काटे भी हैं वो
पर वो फार्मर ने भी कहा था मैं तो अपनी बतखों को भी काटता हूँ क्योंकि उड़ना है पता नहीं उठती भी है पता नहीं। तो और पापा ने सारे काट दिए वो पर। तो एक बार मैं आपको बताना भूल गया, वाना फायर ब्रिगेड हमने फिर बुलाई जब वो आंध्र पे थे, सरप्राइज रहे हुए। जब हम द्रास पे थे वहाँ हमने फायर ब्रिगेड बुलाया ताकि वो सीढ़ी लगा के ना ऊपर चल गए, क्योंकि वो तो स्कूल के भी द्वारों के ऊपर जा सकते हैं, उन्हें परमिशन है। तो वहाँ गए वो, तो फिर वहाँ उन्होंने कहा नहीं कर सकते, उन्होंने कहा दो दिन वेट करो अगर उतरता है तो ठीक है, दो दिन कौन वेट कराता है, वो फजूल है यहाँ इटली के, बिल्कुल फजूल है, कभी ना बुलाना खुद या फिर कोई जुगाड़ लगा, उन्हें कभी ना बुलाना किसी काम के नहीं है। वो कहते हैं हमारी लंबी सीढ़ी अभी गई हुई है, दो दिन बाद फोन करना, ये कोई बात करने वाली है। फिर वहाँ एक बच्चा भी था तो उसने ना मिट्टू को देखा, लेकिन उसने पीछे से ही देखा, उसने सोचा ये ग्रीन कलर का, आगे से उसने नहीं देखा। तो फिर ये उनकी पर उस बच्चे का जब घर गया ना तो उसके पड़ोसी के घर ना कुछ दिन बाद एक तोता है, उसने एकदम देख लिया, उसने आगे तो देखा नहीं था, उसने पीछे से ही देखा ग्रीन है, तो उसे शक हुआ यही है। तो अपने पड़ोसी से मिलकर उसने वो पकड़ा है, अपने घर ले आया है, मैं आपको बाद में इसका नाम भी बताऊंगा। तो फिर उसे घर लेके आया, इसे ब्रेड खिलाई और हमें फोन किया। तो हाँ हमें तो मिट्टू मिल चुका था, तो वो हम फिर भी गए हैं देखना था क्या है। तो वहाँ ना हमें ये नजर आया, हमने कहा हमारा तो नहीं है, तो उसने कहा हमारा हमें भी नहीं तोता संभालना आता, तो तुम लोग ही रख लो तुम्हारा। वो मेरा कहना चाहता था कि मैं इतना खुश हो गया। तो फिर हम इसे ले आए, फिर एक बार पता चली कि जंगली नहीं है, ये किसी इटालियन बंदे का हुआ, क्या बातें कर रहा हूँ, पाकिस्तान छोड़ के थोड़ी ना है, हाँ इटालियन बंदे का ही होगा, इटालियन बंदे का। और इसे जब चाव बोलो, इटालियन में चाव का मतलब हेलो होता है, चाव बोलो तो ये बोलता है कभी कभी मेरे सामने, तो अभी तक एक दफ़ा नहीं बोला। वो पापा लोग बोलते हैं कि ये बोलता है, तो अभी किसी दिन आपको एक वीडियो दिखाएंगे। तो ऐसे हम घर ले आए, हमें जब उस बंदे को हमने कह दिया, जब किसी का फोन आए कि इसका मिल गया मालिक तो हमें फोन करें, अभी हमारी तरह कोई पोस्टर लगा दे इसका तो हम देखेंगे, तो उसे फोन कर देंगे, इसके बारे में बता देंगे, उसे वापस कर देंगे। फिलहाल हमने इसे अपने पास रखा, खाना देते हैं ये, लेकिन यहाँ पूरा हाथ लगाने देते हैं, मिठू लगाने देते हैं, मिठू सिर्फ सर पे और नाक पे लगाने देते हैं। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, नो नो नो, हाँ देख सकते हैं, लेकिन इसे ना ढीला करो ताकि उसे डर ना लगे। तो इसे आपने देखा डर लगे नहीं, क्योंकि मिठू ना थोड़ा सीरियस होता है, वो उसका जब मूड होता है वो खुश होता है, जब उसका मूड होता है वो सीरियस हो जाता है। तो ये हमेशा इस ये जब हम तोता ढूंढ रहे थे ना है, तो हमने सबसे पहले ये जाके ढूंढना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोलता है और ये बहुत जल्दी सीख जाता है। तो फिर हमने फिर ये ले लिया, पापा को ये ज्यादा पसंद आया तो हमने ये ले लिया। तो वो ऊपर से ना दूर भी बड़े थे और इतने भी महंगे नहीं थे, और बहुत दूर थे, यहाँ से बहुत दूर है हमारे से, वो दिन लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में, इतना तो हम कर नहीं सकते थे एक तोते के लिए। उनको तो आपने बड़ी वीडियो में देखा होगा और आपको ध्यान भी आया होगा, लेकिन मैं आपको इसकी आवाज़ सुना दूँ, ये देखो कितना मोटा हो जाता है, इसकी मैं आपको आवाज देता हूँ, बहुत वीडियो में बेचती रही। इसे छोड़ो, ये बेइज्जती करा के ही रहेगा। तो ये मिठू है, इन दोनों की ना बड़ी लड़ाई होती है, मैं अगर मिठू को ले लूं तो ये बड़ा जेलस होता है। ऐसे उड़ के तभी आया ना, जब मैं मिठू को कंधे पे बिठाया हुआ है तो ये तभी उड़ के यहाँ आया है।
तो ये मुझे मिट्टू से बड़ा लग रहा है क्योंकि मिट्टू में सच में लड़ते हैं, तो ये लड़ाई भी करते हैं, तो इन्हें इतना पास नहीं रखते, इतना फासला तो ठीक है, ज्यादा पास रखा तो ये लड़ने लग जाएगा। तो ये भी हाथ पे नहीं बैठता, ये सिर्फ चाव करते हैं, हेलो बोलते हैं मुंह से, इसकी आवाज भी ऐसी है। आप ढूंढने जाएं गूगल पे पर कैतु मोना को, आपको ये मिलेगा। ये कुछ लोग, ज्यादा लोगों ने ना इसे गालियां सिखा ली, कितनी बुरी बात है, हमने इसे गालियां नहीं सिखानी, बहुत बुरी बात होती है। हम नॉर्मल ऐसे नॉर्मल सिखाएंगे वर्ल्ड, और ये बातचीत भी करता है। मैंने ना सबसे पहला, मैं घर में सबसे पहला हूँ जिसने इसके चोंच के साथ नाक लगाया। Oh my God! Wow! बातचीत की है, मैंने नहीं करना। बड़ा मुंह, इसके मुंह से ना बड़ी बू आती है सच में, और ऊपर से ये नहाया भी नहीं है, ये ऊपर से पता नहीं कब से लाप होता है, इसने नहाया भी नहीं, इसे कभी नहलाना है। वो जो स्प्रे होती है ना उससे नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने कई वीडियो में देखे वो कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं, ऐसे इसके ऊपर ऐसे थोड़ा मारेंगे किसी दिन, मिठू तो खुद ही अपने आप नहा लेते हैं बरा। तो इसका नाम है बबलू, क्योंकि ये मोटा हो जाता है ना, इसका नाम, इसलिए इसका नाम बबलू है। और ये बड़ा डरता है उससे, बड़ा डरता है ये ना, पिंजरे से बाहर भी नहीं निकलता अभी, पहले तो दौड़ दौड़ के निकलना, अभी तो निकलता ही नहीं है। बबलू हाथ पे तो बैठता नहीं है, ये हाथ पे बैठ जाए। पहले ना मैं कैमरा में बैठा हुआ था और बात कर रहा था, उसके उसके ना ऐसे शोल्डर पे मिट्टू था, और वो ये ना जेलस हो गया दूसरे बबलू, तो जेलस हो गया, तो वो ना जान बूझ के ना उड़ के आके कैमरा मैन के कंधे पे बैठे है, कैमरा मैन के कंधे पे बैठे, उसने सबूत दे दिया कि वो जेलस होते हैं। तो आपको, आपने मुझे बतानी है, मैं और ऐसी स्टोरी आपको सुनाऊं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब लाजमी करना है, 200 सब्सक्राइबर पे पहुंचेंगे, नई साइकिल आपको दिखाऊंगा मैं अपनी, और तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब लाजमी करना है, 1 मिलियन तक पॉइंट है, 1 मिलियन तक पहुंचे तो मैं आपको पूरे इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाऊंगा, और तो हम अभी 129 पे है ना, 185 पे हम मिठू को सारा दिन बंद रखेंगे, उसको बंद रखेंगे, कोई चैलेंज करेंगे, मैंने नहीं अपने आप को बंद करना, कोई चैलेंज करेंगे 24 आवर्स किसी जगह पे रहना है, हाँ 24 नहीं, ऐसा करते हैं जब 30 होंगे ना, 136 में पूरा पूरे 24 घंटे एक कमरे में रहूंगा, प्रॉमिस, वीडियो एक दफा भी बंद ही नहीं होगी, और मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करूंगा, कैमरामैन ही लापरवाह हो सकता है, मैं करूंगा, मैं चीटर नहीं उसकी तरह। तो चलो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड बाय।